वेद के अंदर स्वामी जी क्या है, वेद को पढ़ने से हमको क्या ज्ञान होगा, वेद के इतने बड़े चारों वेद हैं, इतने सारे मंत्र हैं, तो उस वेदों के मंत्रों में क्या लिखा है? ठीक है, देखिए चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों में मुख्य रूप से चार प्रकार का ज्ञान है, या चार भागों में इसको बांटा जा सकता है। जैसे कि ऋग्वेद है, ये ज्ञान विज्ञान का भंडार है, ठीक है जी, अनंत ज्ञान है इसमें, असंख्य प्रकार का ज्ञान है, इसमें आप कल्पना कर सकते हैं, अद्भुत ज्ञान है ऋग्वेद में। जो यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड है, कर्म के विषय में बताया गया है कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। और जो सामवेद है वो उपासना का विषय उसमें है, भक्ति, उपासना, ध्यान, भजन, ईश्वर की विशेष प्रार्थना इसमें है सामवेद में। और जो अथर्ववेद है उसमें विज्ञान भरा है, शिल्पकला है, ठीक है जी, साइंस है, और चिकित्सा भी उसमें बताई गई है। तो चारों वेदों में देखा जाए तो दुनिया में किस प्रकार से हम सुखपूर्वक रहें इसका उपाय वहाँ बताया गया है इन सभी मंत्रों में। कोई रोग आ जाए, कोई समस्या आ जाए, उसका समाधान कैसे करें, ये वेद में है। यहाँ तक कि वस्त्र कैसे बनाएं, मकान कैसे बनाएं, भोजन कैसे पकाएं, परिवार कैसे बसाएं, परिवार कैसे सुखमय ढंग से चलाएं, संतान को संस्कारवान कैसे करें, ये सारी बातें वेद में दी गई हैं। कोई विषय छूटा ही नहीं है वेद में, क्यों, ये ईश्वर की रचना है, ईश्वर का ज्ञान है। तो हमें वास्तव में मनुष्यों को भी और पशु पक्षियों को भी इन सब के कर्तव्य क्या क्या हैं, इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरा विधि विधान वेद में दिया गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सारी बातें वेद में दी गई हैं। हम क्या करें तो सुखी रहेंगे, क्या करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। जैसे कि अक्षर माधव्य, जुआ मत खेलो, वेद में मना करता है, फिर भी नहीं मानते हैं, जुआ खेलते हैं तो हानि होती है। जैसे कि महाभारत में जुआ खेला गया, वेद के विरुद्ध काम हुआ, विनाश हो गया। ऐसे वेद कहता है सत्य बोलो, हिंसा नहीं करो, प्रेम से रहो, सबको मित्र के भाव से देखो। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए ये बता दिया गया, और क्या नहीं करना चाहिए ये बता दिया गया। तो जो वेद है वो मानव मात्र का संविधान है, ठीक है जी। तो वेद में ये सारी विद्याएं हैं, जो कुछ भी संसार में विद्या देख रहे हैं उन सब का आदि मूल वेद है। जो वेद में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो दुनिया में जो कुछ भी है उन सब का मूल वेद में है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं जो वेद है वो अनंत ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ है, इसलिए वेद का पढ़ना और पढ़ाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। ये वेद की विशेषता संक्षेप में आपको बता दिया।